सोमालिया, जिसको ट्रैवल करने से पहले मैंने अपने आप से यह बार बार सवाल किया कि क्या मुझे ये करना चाहिए। इसके पहले मैंने सोमालिया का नॉर्दर्न ऑटोनॉमस रीजन सोमाली लैंड दिखाया था, बट मुझे पता है कि वो असली सोमालिया नहीं है। एंड मुझे पता है कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ अगर मैंने बोला मैंने सोमालिया ट्रैवल किया। Al-Shabaab terrorists stormed an African Union peacekeeping base in Somalia on Tuesday, triggering a fierce fight that has killed hundreds. And that has to do with the Somalia gun attack, where Al-Shabaab militants attacked several police stations and security checkpoints in Somalia's capital, Mogadishu. Bhai, shit, man. भाई पटाखे फूटने के लिए यहाँ पे गनशॉट्स की आवाज सुनने को मिल रही है। शायद दुनिया का सबसे खतरनाक देश जहाँ बॉम्बिंग, टेररिज्म और किडनैपिंग एक आम बात है। तो अब आप सोच रहे होंगे अगर सोमालिया इतना ही डेंजरस है तो मैं वहाँ गया क्यों? क्यूरियोसिटी, जिसको हिंदी में समझाऊं तो एक जिज्ञासा। अभी तक मैंने सोमालिया को बस न्यूज में देखा था, इस बार एक ट्रैवलर के नजरिए से भी देखने की कोशिश करते हैं। भले ही सोमालिया ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल है, बट एज ए ट्रैवलर मुझे देखना और दिखाना था कि सोमालिया में असली जिंदगी कैसी है। गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और अभी फ़िलहाल मैं हूँ केनिया एयरपोर्ट में नैरोबी। भाई मैं बता रहा हूँ अलग ही लेवल की फीलिंग है भाई यहाँ पे। फाइनली मेरा भी चेक इन हुआ अभी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ मोगदिशु सोमालिया, जो रियल सोमालिया वो वाला सोमालिया। इसके पहले जो मैं सोमालिया गया था वो सोमाली लैंड था, वो रियल सोमालिया नहीं था। बट इस बार मैं और भवानी भाई, मेरे साथ भवानी भाई भी है तमिल ट्रकर जो लोग नहीं जानते, तो हम दोनों एक साथ जा रहे हैं इस बार मोगदिशु जा रहे हैं। और काफ़ी मतलब बता रहा हूँ यार अलग ही लेवल की फीलिंग है। शायद ये फीलिंग मेरे को आई थी जब मैं लास्ट टाइम अफगानिस्तान गया था। आई थिंक इस बार मैं ज़्यादा डरा हुआ हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ 3-4 दिन पहले वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। भाई सिचुएशन थोड़ी सी अलग है इस बार की सोमालिया की। दिस इज़ समथिंग जो आपको काफ़ी सारे प्रिकॉशंस के साथ लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं सोमालिया वजह से उठ के चला जा रहा हूँ। काफ़ी सारे प्रिपरेशंस करनी पड़ी, काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स देने पड़े, उसके बाद आप प्रिपेयर करते हो कंट्री जाने के लिए। गाइस, तो अभी हमारी जो फ़्लाइट है उसमें चढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये हमारी एयरलाइन, एयरलाइन का नाम है डेलो एयरलाइंस, बट एयरलाइन में कुछ लिखा नहीं है, पता नहीं क्यों। पता नहीं, वैसे देखा जाए तो अब मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ फर्स्ट रो में, और इकोनॉमी क्लास में अगर बैठते हो आप लोग तो कहते हैं लोग कि फर्स्ट रो जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि काफ़ी बढ़िया लेग रूम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, बट ये डेलो एयरलाइन काफ़ी ओके सी एयरलाइन बोलूँगा मैं। सीट भी काफ़ी छोटा सा ही है और ठीक ठाक ही बोलूँगा मैं, उतना भी खास भी नहीं उतना ख़राब भी नहीं, ओके है। तो यहाँ पे आगे जो आप एयरलाइन देख रहे हो, जो फ़्लाइट है ये यूएन की है। तो मोगदिशु में एक्चुअली यूएन की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चलती है और काफ़ी सारे मतलब प्रोग्राम्स इनके यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। तो जितने भी फ़्लाइट्स देख रहे हो सारे अभी यूएन के दिख रहे हैं मेरे को, नॉर्मल एयरलाइन अभी कोई दिख नहीं रहा। बाकी का अभी फ़िलहाल मोगदिशु लैंड किए गए हम लोग। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है एडन अब्दुल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के बाहर निकल रहे हैं अभी और ये यहाँ पे बहुत बड़ा टैंक रखा हुआ है। व्हाट डू यू कॉल दिस ब्रो, यू से टैंक और व्हाट? दिस इज अ थिंग, आई डोंट नो व्हाट इज टैंक। दिस इज आर्म व्हीकल। आर्म व्हीकल, या तो यहाँ पे आगे चेक पॉइंट। भाई हर जगह चेक पॉइंट ही चेक पॉइंट है यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर। तो ये यहाँ पे होटल देख सकते हो गाइस, ये वाले होटल में रुके हुए हैं अभी फिलहाल। और यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी देखो आप लोग। निकले हम लोग मोगदिशु एक्सप्लोर करने के लिए, पहला दिन है हमारा आज अभी। और ये देख सकते हो फिलहाल यहाँ पे दो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो हमको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि बिना गार्ड्स के यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप घूम सको। और विथ मी हियर इज हादी,
Hey guys, welcome back to another video. My name is Hadi and we're in Mogadishu, Somalia. Yeah, nice. This was the guy jiske wajah se hum abhi filhal Somalia aa paaye hain aur Mogadishu ghoom pa rahe hain. And he is Bhuvani. Hello, hi. Tamil rahe ho. Aur ye hai bahar ka nazara. पहली बात तो मैं बिलीव नहीं कर सकता गाइस कि फ़िलहाल मैं अभी मोगादिशु घूम रहा हूँ. द थिंग इज़ हम इस बार मोगादिशु सोमालिया जो है वो एग्जैक्टली टूर के साथ नहीं घूम रहे. जो हादी भाई हैं ये मेरे फ्रेंड हैं और ये है मुझे हेल्प कर रहे हैं घूमने के लिए. हम गाइडेड टूर नहीं लिया हम लोगों ने. दिस एरिया वी आर नाउ ड्राइविंग इट्स कॉल्ड हमरवैनी. इट इज़ द हमरवैनी. It is the old Mogadishu buildings in Mogadishu, okay. Like okay. All Mogadishu neighborhoods. Uh-huh. So now we are going to Mogadishu Lighthouse. It is one of the notable landmarks in Mogadishu city and in Somalia. This was the Bank of Somalia. Okay. Bank of Somalia. And so it was during 1991 civil war. Okay. It was bombed and you know there's a lot of bullet holes there. Crazy. Crazy. Yeah. Can we get down? तो ये आपने देखा ये बैंक विच बैंक वॉज दैट बैंक ऑफ सोमालिया तो ये देख सकते हो ये बैंक ऑफ सोमालिया बोल रही है. हालत देखो भाई ये बिल्डिंग की यार खतरनाक. इसको बॉम्ब किया गया था बोल रही है भैया का सारा माहौल देखो यार आप. तो भाई यहाँ का नज़ारा देखो आप लोग. ये हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है गाइस सोमालिया का मोगादिशु का. मैं फर्स्ट टाइम मोगादिशु में ऐसे बाहर घूम रहा हूँ और यहाँ पे दो गाइड हैं, दो सिक्योरिटी मतलब इंटेलिजेंस के लोग हैं जो हमको हेल्प कर रहे हैं हमको गाइड करने के लिए. और यहाँ का ये एरिया देखो ये वाला एरिया जो है 1991 में जब सिविल वॉर हुआ था यहाँ पर और वो टाइम में यहाँ पर सारे ये बिल्डिंग्स बॉम्ब किए गए थे भाई. तो ये है यहाँ का लाइट हाउस जो काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है मोगादिशु में. ये लाइट हाउस जो था ये बॉम्ब किया गया था 1991 के अराउंड जब यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक माहौल था उस टाइम पे. और ये यहाँ का आगे का बीच काफ़ी सारे बोट्स देख सकते हो आप लोग. काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी कचरा भी है. ये पूरा यहाँ का पीछे का नो ओके. तो गाइस ये सारा देख सकते हो आप बिल्डिंग. जस्ट ये बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं हम लोग और ये वाला जो बिल्डिंग था ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था बोल रहे हैं ये वाला एरिया. तो कुछ लोग शायद कैमरा पसंद नहीं कर रहे हैं यहाँ पे तो देख के शूट करना पड़ रहा है हमको सबको. हम ऐसे मेरे जो गाइड है यहाँ पे हादी भाई ये बोल रहे हैं कि देख के शूट करने के लिए यहाँ के लोग नहीं पसंद करते कैमरा. So also can you just explain like what exactly happened here, like you know you see over there yeah you can see the building which are ruined right this used to be Aruba hotel. It was one of the biggest hotel in Somalia. Okay, Ruby hotel Aruba hotel Aruba. So this hotel was built during the colony, you know, the Italian colony in Somalia, right? So during the 1991 civil war it was bombed. Okay. And now it is abandoned, you know, most of this place. But it has history, you know, as you can see what happened in this city over the years, you know, the war that Mogadishu people have faced over the years. Yeah. And now they are rebuilding. So I'm going to take you to a different place from here, a very nicer place, right? Another beach. Uh-huh. You know, see, you know, what is going on in the country, you know, the economy and, you know, the new buildings. Get it. We're gonna go there after this. Okay. एक्चुअली यहाँ पे एक फिश मार्केट है और फिश मार्केट में एक्चुअली हम अगर जाएंगे तो शायद थोड़ा इशू हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कैमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे लोग. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो हमारे साथ गाइड है उन्हें GoPro दिया हुआ है और वो अभी एक चक्कर लगा के आ रहे हैं बस दिखाने के लिए आप लोगों को कैसा है फिश मार्केट. And I'm showing you guys the kind of fish we have here in Somalia. As you can see, it's like shark. There's plenty of fishes. So I'll go that side and I'll show you more.
तो यहाँ पे जो गाड़ी देख रहे हो ये कुछ रिसेंट 4 से 5 दिन पहले सुसाइड बॉम्ब का शिकार हुआ था, और आप यहाँ पे हालत देख सकते हो इस गाड़ी की। एंड ये कुछ सालों पुराना किस्सा नहीं है, कुछ अराउंड 4 से 5 दिन पहले की स्टोरी है, और इससे पता चलता है कि अभी करंट सिचुएशन क्या है मोगदिशु सोमालिया। व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ कॉप्स हियर, लाइक इज देयर एनी रीजन, लाइक सिक्योरिटी रीजंस? या सिक्योरिटी रीजंस, बिकॉज़ यू नो बैड पीपल, या सो बैड पीपल दे कम टू यू नो लिव अमंग द रेसिडेंट्स व्हाइल लिविंग इन दिस एरिया, या सो द सिक्योरिटी इज वेरी टाइट बिकॉज़ एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। ओके, सो मोस्टली टेररिस्ट, या दे टारगेट यू नो प्लेसेस वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, सिविलियंस, या चेलिंग योर बैंक नेम, Central Bank of Somalia. Central Bank of Somalia. Yeah. Bank of Somalia. तो ये सारा एरिया देखो गाइस यार, देख के इतना डरावना लग रहा है यार, ये सही बता रहा हूँ मैं। बाकी अगर पता नहीं आपको तो सोमालिया जो है यहाँ पे अलशबाब का काफ़ी काफ़ी बड़ा रोल है और काफ़ी एक्टिव। इज इट क्रेजी मैन? अरे भाई यार, यहाँ पे बच्चे बंदूक से खेल रहे हैं यार, क्रेजी मैन। बच्चों के हाथ में राइफल देखा मैंने। They have something to, you know, to show. Yeah. तो यहाँ पे ये जो अल शबाब का है यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है लोग, और एक्चुअली द थिंग इज आज सुबह ही एक कुछ अराउंड नॉर्दर्न मोगदिशु की तरफ एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कुछ अराउंड 14 से 15 लोग मारे गए। तो ये कहीं पे भी हो सकता है गाइस, काफ़ी हद तक अफगानिस्तान वाली फील आ रही है यहाँ पे, और काफ़ी टेंस माहौल बोलूँगा मैं। क्या होता है ना, कल रात को यहाँ पे भाई बुलेट शॉट सुनने को मिले हमको, और बुलेट शॉट सुनते ही भाई मेरी हालत ख़राब हो गई एकदम, सही बताऊँ तो। उसके बाद में फिर हादी जो मेरे यहाँ पे भाई हैं, इन्होंने भी बोला यार चिल मारो, ये रोज़ का है यहाँ पे। और फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, वो सेलिब्रेट करने के लिए ऐसे ही नॉर्मली शूट करते हैं लोग यहाँ पे। और एक चीज़ सोमालिया में जो काफ़ी यूनिक है वो यहाँ के रेड ऑटोज़, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे ये रेड ऑटोज़। शायद मैंने आप लोगों को सोमाली लैंड में भी दिखाया था ये, बट ऑटोज़ का अलग ही लेवल का क्रेज़ है भाई यहाँ पे। सो हादी, हाउ मेनी दिस टुक टुक्स यू हैव इन मोगदिशु? आई थिंक इट्स अराउंड 1 million, राइट? इट्स 1 million एंड ऑल ऑफ देम दे आर रेड कलर गाइस। That's the fun thing about Mogadishu. I think yeah. It is the only city I have been in the entire world yeah. that I have seen have got red tuk-tuks. Red tuk-tuks, yeah. Even you, I think it's the same for you. Yeah, but we don't have red. We have like red, yellow, somewhere black, somewhere green. But I mean, Mogadishu is the only city with the red tuk-tuks, right? Yeah, yeah, for sure. Yeah. I have never seen anywhere red. Yeah. Danger. Danger. Red color. We just had that gunshot. That was gunshot? Yeah, that was a gunshot. Oh, gunshot, man. भाई आवाज सुनो आप लोग यार, भाई शिट मैन, भाई पटाखे फूटने के लिए यहाँ पे गन शॉट्स की आवाज सुनने को मिल रही है यार। सो दे आर जस्ट रैंडमली फायरिंग इन एयर, रैंडमली फायरिंग देयर। भाई आपको कैमरा जो है वो नीचे करना पड़ता है। तो यहाँ पे भाई लोकल फूड यहाँ पे भेज रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली द थिंग इज, ये कार की खासियत क्या है ना, हम अंदर से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बाहर वालों को पता नहीं चलता। तो यहाँ पे लोकल लोग है, वी कांट गो आउटसाइड एंड शूट वीडियोस, राइट? नो, इट्स नॉट सेफ। पूछ रहा था कि अगर लोकल्स के साथ बाहर जाकर शूट कर सकता हूँ, तो हादी भाई बोल रहे हैं सेफ़ नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भेज रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। एक्चुअली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डर मेरे को ऐसे क्राउडेड एरियाज में लगता है, क्योंकि कुछ अगर होना होता है तो भाई ऐसे क्राउडेड प्लेस में होता है, क्योंकि उनके हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करना चाहते हैं। तो काफ़ी काफ़ी अलग सा एक्सपीरियंस है भाई यहाँ पे। ट्रैफिक में रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं भाई। अफगानिस्तान में जब था वहाँ पर भी मुझे इसी का डर था, और यहाँ पर भी इसी का डर है। अभी एक्चुअली हम लोग एक बीच जा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर बीच है सोमालिया में, और काफ़ी सुंदर बीच है सोमालिया का, लीडो बीच बोलते हैं, काफ़ी काफ़ी सुंदर है। अभी मैं लेके जाता हूँ आपको।
भाई तो ये यहाँ पे चेक पॉइंट था और यहाँ पे सोमालिया में भाई हर जगह चेक पॉइंट से भरा हुआ है भाई। हर 300-300 मीटर 200-200 मीटर में आपको एक चेक पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे सिटी के अंदर भी आपको काफ़ी सारे चेक पॉइंट मिलते हैं जस्ट फॉर सेफ्टी। तो भाई यहाँ पे बीच में आया है, यहाँ पे पूरी पब्लिक देखो, यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई ज़्यादा देर गाइस, तो यहाँ पे हम लोग बीच में गए थे और बीच में इतनी भीड़ थी भाई, हमको निकलना पड़ा वहाँ से क्योंकि भाई इतनी भीड़ थी भाई, पैर रखने के लिए जगह नहीं था वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे दूसरे एक होटल जा रहे हैं, होटल से शायद हम बीच का व्यू देख पाए यहाँ पे, क्योंकि नीचे से हम लोग दिखा नहीं पा रहे थे आपको, इतनी भीड़ है भाई। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा सोमालिया आधा इधर ही मेरे को बीच में दिख रहा है अभी। तो फिलहाल एक्चुअली मौसम भी काफ़ी बादल काला हो रखा है, यहाँ पे बारिश का मौसम है और यहाँ पे पूरा माहौल देखो भाई, पूरा यहाँ पे क्राउड ही क्राउड है। और अगर आपको चीज़ बता दूँ, सोमालिया में भाई अफ्रीका का सबसे बड़ा कोस्ट है। व्हाट अबाउट द पायरेट्स हियर ब्रो, लाइक आर दे स्टिल हियर? नो, ऑल ऑफ देम डेड, ऑल ऑफ देम डेड किल्ड। सो नाउ इट्स ओनली फिशरमैन हियर, ओनली फिशरमैन। ओके, ओनली रिमेनिंग थ्रेट इज देयर, पायरेट्स आर गॉन। रिमेनिंग थ्रेट, रिमेनिंग थ्रेट, आई मीन द थ्रेट। हां, ओके ओके ओके, नो पायरेट्स नाउ। तो यहाँ से हमने काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर्ड रेस्टोरेंट में खाना खाया क्योंकि वो सुसाइड बॉम्ब वाली गाड़ी देख के हम काफ़ी डर गए थे। एंड देन हम अपने होटल रूम चले गए क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था और इस मौसम में कुछ करना पॉसिबल भी नहीं था। रेस्ट अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा मैं आपको लोकल्स के और करीब ले जाऊँ। अनटिल देन आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिससे कि आप मेरे करंट अपडेट्स पा पाओ, और आप कमेंट्स करके बताओ कि कैसा लगा आपको मोगादिशु का फर्स्ट इंप्रेशन।